हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर यूजिंग ओ तो वी टू आई कन्वर्टर इज नथिंग बट अ सर्किट विच कन्वर्ट्स योर इनपुट वोल्टेज टू आउटपुट करंट ओके सिंपल है वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करता है तो इसके दो टाइप्स है फ्लोटिंग लोड और ग्राउंडेड लोड तो फ्लोटिंग लोड वी टू आई कन्वर्टर में जो लोड रजिस्टर है वो ग्राउंड को कनेक्टेड नहीं होता है ओके okay, इसलिए इसे फ्लोटिंग लोड बोलते हैं और ग्राउंडेड लोड में आर मतलब लोड रजिस्टर ग्राउंडेड होता है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लोटिंग लोड वी टू आई कन्वर्टर तो सर्किट बहुत सिंपल है हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट दिया है ये है हमारा इनपुट वोल्टेज अभी ये वोल्टेज कन्वर्ट होने वाला है आई में आई इज आउटपुट करंट या लोड करंट सो दिस इज लोड रजिस्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लोड रजिस्टर इज नथिंग बट आई एल ओके अब कुछ स्टेप्स में आपको आई एल का इक्वेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आई एल इज प्रपोर्शनल टू वी इन ओके ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसे हम वी वन बोलते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल को वी टू बोलते हैं सो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मतलब वी वन पे क्या वोल्टेज है वी इन सो बाय वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि V2 और V1 वन इक्वल है जो भी V1 पे है वो V2 पे आएगा इसलिए V2 टू इज इक्वल टू वी इन ओके अगर आपको वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट पता नहीं है तो मेरा वीडियो देखो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट का आपको पूरा समझ में आ जाएगा अब हम क्या करने वाले हैं इस नोड पे के लगाने वाले हैं ओके okay, ये जो V2 टू नोड है इस पर के लगाएंगे तो के क्या होता है इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउट गोइंग करंट्स सो इनकमिंग करंट इज आई एल

बहुत हाई होता है आइडियली इन्फेनाइट होता है तो यहाँ से अंदर कुछ भी करंट नहीं जाएगा जो भी आई एल फ्लो हो रहा है वो पूरा का पूरा आर वन में से पास होगा सो वी कैन राइट आई एल इक्वल टू आई वन क्योंकि आई माइनस ज़ीरो है सो so अभी मैं आई वन की वैल्यू फाइंड करूँगी तो मुझे आई एल मिल जाएगा ओके सो आई वन इज़ नथिंग बट वोल्टेज एट दिस पॉइंट अपॉन रेजिस्टेंस ओके रेजिस्टेंस इज़ आर वन एंड वोल्टेज एट डिस अपॉइंट इज नथिंग बट वी टू सो आई वन इज वी टू अपॉन आर वन अगर ये आई वन है तो आई एल भी सेम होगा इसलिए मैंने लिखा आई एल इक्वल टू वी टू अपॉन आर वन अभी वी टू की वैल्यू हमने फाइन करके रखी है वी इन तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो so, इक्वेशन क्या हो जाएगा आई एल इक्वल टू वी इन अपॉन आर वन नाउ यू कैन सी दैट योर वोल्टेज इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू करंट अगर आपकी आर वन की वैल्यू फिक्स है तो आपका वोल्टेज करंट में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay, तो ये जो आर वन है वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए उसका रजिस्टेंस इसलिए हम प्रिस रजिस्टर यूज करते हैं सो इफ आर वन इज प्रिस द आउटपुट करंट आयल विल बी प्रिसली फिक्सड यह था फ्लोटिंग लोड वी टू आई कन्वर्टर ओके अभी इसके एप्लीकेशन क्या है लो वोल्टेज डीसी एंड एसी सी वोल्ट मीटर्स डायोड मैच फाइंडर्स एलईडी ई डायोड टेस्टर जैसा आप लोड लगाओगे वैसा वो एप्लीकेशन होगा ओके okay. तो अभी हम देखते हैं ग्राउंडेड लोड वी टू आई कन्वर्टर ये भी सर्किट बहुत सिंपल है इसमें ये जो लोड रजिस्टर है आर वो ग्राउंड कर दिया है इसलिए इसे ग्राउंडेड लोड बोलते हैं इस सर्किट में सभी रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है एवरीथिंग इज़ डिनोटेड बाय आर सो कीप दैट इन माइंड नाउ वी वी सी हाउ दिस वीन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू आई एल पहले मैं इस नोड पर केसेल लगाऊंगी मतलब केसिल एट नोड वी वन सो इनकमिंग करंट्स आर आई वन एंड आई टू ओके एंड आउट गोइंग करंट इज़ आई एल एंड आई एम इग्नोरिंग दिस आई प्लस सो आर इक्वेशन विल बी आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई एल अभी ये जो करंट्स है वो हम वोल्टेज़ के फॉर्म्स में लिखेंगे ये जो आई वन है उसकी वैल्यू क्या होगी सो आई वन इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर और उसकी डायरेक्शन क्या है इन से वी वन तक सो वीन माइनस वी वन अपॉन आर ओके सिमिलरली फॉर आई टू आई टू की वैल्यू क्या होगी वी ओ माइनस वी वन अपॉन आर क्योंकि इसकी डायरेक्शन वी ओ से वी वन तक है सो वी ओ माइनस वी वन अपॉन आर देन आय वैसे का वैसा रखा है ओके okay, अभी ये जो आर है वो मैं राइट हैंड साइड पर भेज दूंगी तो हमारा इक्वेशन ऐसे दिखेगा फिर ये माइनस वी वन और माइनस वी वन माइनस टू वी वन हो जाएंगे ओके अभी ये जो सर्किट है वो नॉन इन्वर्टिंग मोड में है क्योंकि हमने इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है तो नॉन इन्वर्टिंग मोड की गेन क्या होती है वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन राइट ये हमें सबको पता है इस सर्किट में सभी रजिस्टर की वैल्यू आर है सो आर एफ इक्वल टू आर वन इक्वल टू आर तो ये गेन हो जाएगी वन प्लस आर अपॉन आर अपॉन आर इज वन सो वन प्लस वन विल बी टू सो वी ओ इज इक्वल टू टू वी वन सो ये जो टू वी वन है वो हम अब निकाल सकते हैं क्योंकि टू वी वन अब वी ओ है तो so, मैं टू वी वन के जगह पर अभी वी ओ लिखूंगी ओके okay, तो ये जो वी ओ है वो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ वी इन सो आवर इक्वेशन विल बी वी इन इक्वल टू आएल इन टू आर ओके सो यू कैन राइट आएल इज इक्वल टू वी इन अपॉन आर सो इनपुट वोल्टेज गॉड कन्वर्टेड इन टू आउटपुट करंट सिंपल ओके तो ये था ग्राउंडेड लोड का एनालिसिस ओके सो दोनों सर्किट्स बहुत सिंपल थे डेरीवेशंस भी बहुत सिंपल थे आई होप आपको सब कुछ समझा होगा अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू